नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल फुटबॉल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए नॉलेज के साथ आपसे जुड़ने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, जो आपको सोच के बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं एक नाइकी का फर्स्ट कॉपी शूज लेके आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों, ये शूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गुड लुकिंग है, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, शू काफ़ी गुड लुकिंग है। आप इसका सोल देखें तो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। इसमें जो सोल दिया है, ये ईवा सोल, ये भी काफ़ी लाइट वेट है, और आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके अंदर जो इनसॉक्स है, इसका भी कलर बहुत काफ़ी अच्छा है, और हम इनसॉक्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो इनसॉक की थिकनेस है वो 3-4 mm के आसपास है। मतलब ये अच्छा इनसोल है इसका, और आपके इसके अंदर का भी इनसोल देखेंगे तो इनसोल भी 2 mm के आसपास इसकी थिकनेस है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इनसोल के साथ इसके फैब्रिक भी देखेंगे, ये स्टिचिंग है, जो स्टिचिंग आप देख रहे हैं, ये काफ़ी मजबूत स्टिचिंग दिख रही है। आप इसे देख पा रहे हो, जो काफ़ी प्रॉपरली किया गया स्टिच, जिससे बॉन्ड हमारा बना रहता है। जो इनसोल और इसके बीच में जो बॉन्ड है, जिसे स्टिच किया गया, ये काफ़ी मजबूती होती है। इसके साथ पेस्टिंग तो किया ही जाता है, मगर ज़्यादा मजबूती करने के लिए इसमें स्टिच डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, जूते में काफ़ी इम्पोर्टेंट, ऐसे तो जूते का हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेनली बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जूते की सोल। तो जो सोल होता है, वो काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं, कि आपको शूज किस पर्पज़ से चाहिए। अगर आपको स्पोर्ट के लिए चाहिए, टेनिस के लिए चाहिए, अगर आपको रनिंग के लिए चाहिए, तो हर एक के लिए अलग अलग शूज है, जिसका अलग अलग बेनिफिट है। तो दोस्तों, ओवरऑल देख के मैंने ये शूज परचेज किया है, चाहे आप इसे रनिंग कर लें, चाहे इसे स्पोर्ट में यूज़ कर लें, चाहे इसे जिम में यूज़ कर लें, तो काफ़ी इस हर जगह कम्फर्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं सोल, मैं आपको इस सोल के बारे में बताता हूँ। ये जो सोल है, इसमें सोल वाइट कलर के जो देख रहे हैं, ये काफ़ी हल्का होता है, जिसे ईवा सोल कहते हैं। उसके ऊपर जो ये पेस्ट चिपका हुआ है रेड और ब्लैक का, ये रबड़ सोल है। जो ईवा सोल है, इसके ऊपर जो रबड़ सोल है चिपका हुआ है, इसे दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन फिलोन सोल कहते हैं। फिलोन सोल वो होता है जिसमें ईवा सोल के ऊपर कोई अलग से पेस्टिंग चिपकी हुई हो। अगर ये सोच रहे हैं आप कि अगर रबर सोल ही क्यों नहीं डाला, इसमें ईवा सोल ही क्यों नहीं डाला, तो ईवा जो होता है काफ़ी लाइट वेट होता है, और इसके नीचे रबर डालने से फ़ायदा है, ये सोल जल्दी आपकी घिसेगी नहीं। तो दोस्तों, ईवा सोल के ऊपर रबर सोल है, तो इसमें मजबूती भी हो गई, और ईवा सोल के कारण ये लाइट वेट भी हो गया, तो शूज हमारा ज़्यादा कम्फर्ट हो गया। और इसके अंदर आप देखेंगे जो टंग है यहाँ पर, ये फोम यूज़ किया गया है, अच्छी खासी 5-6 mm मोटी ये फोम है, तो ये काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है हाई एब्रेजन रबर, ये जो इसमें जो रबर यूज किया गया है वो हाई एब्रेजन पे घिसेगा। मतलब इसको आप जब तक से बहुत ज़्यादा फोर्स दे के ना घिसोगे, तो ये सोल जल्दी घिसेगी नहीं। मतलब काफ़ी सोल अच्छा है इसका। और आप ये क्लीट देख रहे हैं, क्लीट भी 1-2 mm से ज़्यादा इसकी हाइट है, तो काफ़ी कम्फर्ट रहने वाली है शूज आपके लिए। जैसे कि दोस्तों, आप चलते हैं, चलते वक्त या रनिंग करते वक्त जो इसमें बाउंस होता है, जिसमें जर्क आती है, तो ईवा सोल अगर आपके पास है, मिड सोल इसमें ईवा सोल लगा है, तो आप देखेंगे कि आपके पैरों को इतना वो पता नहीं चल पाता कि हमें जर्क भी हो रही है या कुछ। अगर आप काफ़ी हेवी सोल ले लेते हैं, तो उसे पहन के आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, वो काफ़ी प्रॉब्लम देने वाली है आपको। ऐसे सोच वो अलग अलग पर्पज़ के लिए है, तो रबर सोल जो होता है वो रनिंग के लिए नहीं, बेसिकली नहीं है। तो ओवरऑल इस टाइप के आप शूज़ लें, जो ईवा के साथ साथ रबड़ भी हो, ताकि आपके ज़्यादा दिन तक चले भी और कंफर्ट भी हो। दोस्तों, देख रहे हैं ये शूज़ को, काफ़ी अच्छी और बेहतरीन तरह के शूज है। तो दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है बस, कि हम एक नॉर्मल शूज़ लेते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, क्या क्या देखनी चाहिए। कोई इसका मैं वीडियो का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का। तो ये नॉर्मली जैसे आप यूज करते हैं, शूज लेते हैं, तो मैंने भी सोचा कि एक लेके आपका रिव्यू डाल दूँ।
दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।